9 दिन बाद हम होंगे कामयाब। नौ दिन हुए पूरे, रेस्क्यू प्लान क्यों अधूरे? नौ दिन 41 मजदूर खुली हवा से दूर। उत्तरकाशी की सिलक्यारा टनल के भीतर 41 मजदूरों को फंसे हुए आज 9 दिन पूरे हो चुके हैं। इन मजदूरों को निकालने के लिए अब तक जो भी प्लान और ऑपरेशन किए गए वो कंप्लीट नहीं हुए हैं, क्योंकि यहां पर सबसे बड़ी चुनौती उस मलबे से निपटने की है जो रुक रुक कर सुरंग के भीतर गिर रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। पुरानी मशीनों के साथ साथ अब नई मशीनों से भी ड्रिलिंग के काम को अंजाम दिया जा रहा है, लेकिन अब तक वो कामयाबी हासिल नहीं हो पाई है जिसके लिए यहां पर सैकड़ों लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं। वहीं पूरे देश की निगाहें इस रेस्क्यू ऑपरेशन पर टिकी हैं। एक हफ्ते से ज्यादा का वक्त बीत जाने के बाद भी सुरंग में कैद मजदूरों ने अपना हौसला नहीं छोड़ा है। क्या बोल रहे थे? वो लगातार इसी उम्मीद से सुरंग के अंदर बैठे हैं कि जल्दी ही उन्हें बाहर निकाला जाएगा। वहीं अब एनडीआरएफ एसडीआरएफ के साथ साथ सेना के जवानों ने भी मोर्चा संभाल लिया है। इसके अलावा दुनिया के कई एक्सपर्ट से भी लगातार सलाह ली जा रही है ताकि जल्द से जल्द ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाया जाए। वहीं अब रेस्क्यू ऑपरेशन का मोर्चा मोदी सरकार के मंत्री नितिन गडकरी ने संभाल लिया है। नितिन गडकरी उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी के साथ हादसे वाली जगह पर पहुंचे। इस दौरान गडकरी ने अगले 2 से 3 दिनों के अंदर रेस्क्यू ऑपरेशन के पूरा होने की उम्मीद जाहिर की। इस आपदा का मुकाबला हम सब लोग सब प्रकार के प्रयासों से कर रहे हैं। जो अंदर में जो लोग बैठे हुए हैं, जो अटके हुए हैं, उनके प्रति भारत सरकार को, उत्तराखंड की सरकार को और देश की जनता को उनकी सबकी बहुत चिंता है और हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है कि किसी भी प्रकार से उनकी जान बचाएं, उनको बाहर निकालें। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने यह साफ किया कि हिमालय की मिट्टी कहीं चट्टानों से भरी है तो कहीं मिट्टी ही मिट्टी है, लिहाजा अब तक ऑपरेशन को पूरा नहीं किया जा सका है। पहाड़ी इलाका होने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में कई तरह की परेशानियां आ रही हैं, लेकिन इसके बाद भी टनल में फंसे मजदूरों तक खाने पीने समेत सभी जरूरी चीजों को समय पर पहुंचाया जा रहा है। मुख्य बात आती है खाने की, तो फॉर्चुनेटली यहां पे एक पाइपलाइन है 4 इंच की जिसपे कंप्रेसर है, तो उसके थ्रू चना मुरमुरा ड्राई फ्रूट्स जो भेजे जा सकते हैं 4 इंच की पाइपलाइन में, मेडिसिन विटामिन सी विटामिन डी एंटी डिप्रेसेंट्स जो मेडिकल एडवाइस है उसको हम लोग लगातार भेज रहे हैं। नितिन गडकरी ने अब तक हुए रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी को लेकर उन तमाम अफसरों के साथ मीटिंग की जो इसमें शामिल है। ये बैठक करीब 2 घंटे तक चली जिसमें मजदूरों को निकालने के लिए किए जा रहे सभी कामों पर अधिकारियों से बातचीत की गई। नितिन गडकरी ने बताया कि इस काम के लिए 6 वैकल्पिक उपायों पर कई एजेंसियां काम कर रही हैं और फंसे हुए लोगों को निकालना सर्वोच्च प्राथमिकता है। वर्टिकल भी 3 प्रकार के प्रयास है, उसके भी हम कर रहे हैं। हमने कोई प्रयास ऐसा नहीं रखा कि जो हमको नहीं कर सकते। हमने सब प्रकार के प्रयास किए। पहली प्रायोरिटी है उनकी जान बचाना और जल्द से जल्द उनको बाहर निकालना। उत्तराखंड के सीएम धामी भी लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने बताया कि सभी मजदूरों को सकुशल बाहर निकालने के लिए सभी विकल्पों पर तेजी से काम चल रहा है। साथ ही उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि रेस्क्यू ऑपरेशन जल्द कामयाब हो सकता है। हमारा सबका यही होना चाहिए कि अभी भगवान से प्रार्थना करें कि जल्दी से जल्दी ये जो हमारे सभी जो रास्ते अपनाए जा रहे हैं 6 प्रकार के, उनमें से कोई भी रास्ता पहले से पहले सफल हो और वो लोग बाहर आएं। इन तमाम प्लान के लिए सुरंग विशेषज्ञों और दुनिया के कई देशों के एक्सपर्ट्स के साथ भारत सरकार लगातार संपर्क में है। साथ ही बीआरओ के अफसरों को भी मौके पर बुलाया गया है, लिहाजा उम्मीद जाहिर की जा रही है कि जल्द से जल्द ऑपरेशन को पूरा कर लिया जाएगा। उत्तरकाशी से अंजलि सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट
Z मीडिया। Z न्यूज़।